वो कुछ छोड़कर नहीं जाते। छोड़कर भागना तो आपको पड़ा, फिलहाल कालेज से। चुप रहोगी तुम? चलो इधर से। रमा बाई, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा नहीं, सही कह रही हो। वो और बाबा गवर्नर के पास गए हैं, वहां से लौट कर आएंगे, फिर हम सब आपकी चाल में ही आएंगे हमारे घर में। ये आप भी देख लीजिएगा। इतना विश्वास कैसे हो सकता है एक छोटी जात की लड़की में? पति के ऊपर पत्नी का विश्वास है, और पत्नी की कोई जात नहीं होती, छोटी या बड़ी, वो सिर्फ एक पत्नी होती है। अच्छा ठीक है, मैं भी यहीं इंतजार करता हूं, देखता हूं क्या होता है। बिल्कुल कीजिए, ये बिना हल लाए नहीं आएंगे। लो जीजा जी आ गए। गवर्नर साहब ने वापस उस चौल में जाने के लिए कहा ना, बताइए इन्हें, तब से खड़े हैं। शंकर छोटी चलो सामान उठाओ। नहीं रमा, हम सामान लेकर चाल वापस नहीं जा सकते। क्यों? गवर्नर साहब ने मदद करने से मना कर दिया क्या? वो तो बड़े लोग हैं, बड़े पद पर पढ़े लिखे हैं, ऐसे केलुस्कर गुरुजी कह रहे थे। वो मिले ही नहीं और मिलेंगे भी नहीं। अब वो इतने बड़े आदमी, क्या तुम छोटी जाति के लोगों से मिलते रहेंगे? और तुम फिर से सोचना कि तुम्हारी जाति पत्नी की है, तो जिस जाति का तुम्हारा पति है वही तुम्हारी जाति है, छोटी जाति। मान गया भीमराव, तुम्हें पत्नी को दिखाने के लिए गवर्नर से मिलने गए थे? अरे बेवकूफ, गवर्नर तो बहुत दूर की बात है, गवर्नर का चपरासी भी तुम पर थूकेगा नहीं। मिलने की तो बात बहुत दूर रही, निकल गई ना सारी हेकड़ी। लेकिन हुआ क्या, आप लोग गवर्नर साहब से मिल क्यों नहीं पाए? जरूर मिलते हैं, लेकिन उनके पीए ने हमें गवर्नर से मिलने नहीं दिया, हमें गवर्नर साहब से मिलना था। कौन सी जात के हो? सर वही जात जिसे साजिश के तौर पर समाज अस्पृश्य कहता है। अगले 3 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट है, अगर आजकल में कुछ हो सकता है तो देखिए ना। जाओ यहां से, नहीं तो पुलिस बुलाकर थाने भिजवा दूंगा। और जब हमने चाहा कि जबरन अंदर चले जाए तो भीम ने मुझे रोक दिया और कहा कि ये गलत है। इसके सही गलत के चक्कर में हमारा पूरा जीवन पिस रहा है। बस तुम तो बीच में जरूर बोलोगी, जब भी मौका मिले भीम को सुनाना शुरू कर देती हो। ये क्या बात हुई? आपका काम वहां बना नहीं तो राशन पानी लेकर मेरे पीछे पड़ गया। आप ही ने कहा ना कि भीम की वजह से आपको अंदर नहीं जाने दिया, इतना ही तो कहा मैंने, उसमें क्या गलत कह दिया? आप सब लोग जो भी कहे वो सही है, और मैं गलत को गलत भी कह दूं तो बुरा अच्छा है। जीजाबाई, भीम के प्रति तुम्हारी नफरत किसी से छिपी नहीं है, और रही बात गलत को गलत कहने की, तो भीम की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाबा, मैंने कुछ सोच कर आपको जाने से मना किया था। क्या सोचकर? बोलो ना भीम,
क्या सोचकर? थोड़ा ज्ञान व्यान बांट दो और जो भी तुम कहोगे ये सब उसे ही सही मान लेंगे। बताइए ना, आपने क्या सोचकर बाबा को अंदर जाने से रोका? गवर्नर साहब के ऑफिस में उनका पीए था, यानी निजी सहकारी। उसने हमें धमकी दी कि वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस हमें गिरफ्तार करके थाने ले जाएगी। अगर सच में वहां पुलिस आती तो ऐसे कैसे ले जाते? भीमबाव कोई ना कोई तरकीब तो निकाल ही लेते ना। अब आप लोग ने किसी का खून थोड़ी किया है। लेकिन खून तो तब भी हो ही जाता ना भाभी, बाबा की वर्दी के गरिमा का। बाबा अपने इतने साल ईमानदारी से काम किया है, आपकी ये वर्दी मुझे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक लगती है। आई भी यही कहती थी, अपने अंतिम समय में वो आपको इस वर्दी में देखना चाहती थी। एक अंतिम इच्छा है, पूरी करेंगे। एक बार वो सुबेदार वाली वर्दी पहन के दिखाई। बाबा आप भी तो कहते हैं ना, अब जब ये वर्दी पहनते हैं तब एक अलग ही शख्सियत बन जाते हैं। उस गवर्नर के पीए को बड़ी जाति के होने का दंभ था। वो सच में पुलिस बुला लेता और पुलिस हमें पकड़कर थाने ले जाती बाबा, क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन वहां पर सिर्फ मैं ही था जिसे आपकी वर्दी और उस वर्दी की गरिमा दिख रही थी। लेकिन वहां पर सिर्फ मैं ही था कि आपके वर्दी को बंदी बनाकर थाने ले जाने से रोकूं। उस वक्त जो मुझे सही लगा वो मैंने किया बाबा। एक पुत्र ने अपने पिता की वर्दी की लाश रख दी, लेकिन चीचा भाई ये बात इतनी बड़ी थोड़ी है कि हम सब भीम के साथ एकमत हो जाए। जिसे जो करना है करो। आज उसी की समझदारी की वजह से तो सड़क पर आ गए हम लोग। रहो, मुझे क्या करना है। बेटा मैं इस घर का मुखिया हूं, इसलिए उस समय परिवार वालों की तकलीफ, उनकी परेशानी, मेरी इस वर्दी की गरिमा पर हावी हो गई, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में गवर्नर साहब से मिलना था और उनके दफ्तर में जबरदस्ती घुसने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता है बाबा, जिससे हम गवर्नर साहब से मिलेंगे भी और हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी भी। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो
ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। चदरिया झीन रे झीनी, चदरिया झीन रे झीनी, चदरिया झीन रे झीनी, चदरिया झीन रे झीनी। हमें गवर्नर साहब से मिलना था। ये कब आ गए आप? अरे ये तो सुबह वाले ही है ना? हाँ ये वही है। ये क्या तमाशा लगा के रखे हैं? भगाओ इन्हें। अरे ये को बताते हैं। चल चल। पांच तत्व की पुनी, नौ दस मास बुनन को लागे मूरख मैली किन्हीं। चदरिया जीन रे जीनी, चदरिया जीन रे जीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी ऐसा। तुम लोग फिर आ गए? चलो निकले हो यहां से। नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक गवर्नर सर से मिलेंगे नहीं। सिक्योरिटी साहब, देख क्या रहे हो? मार के भगाओ इन्हें। चलो यहां से चलो। सब लोग मार। चलो बाबा। रुको रुको, साहब ने इन्हें अंदर बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? साहब जानते भी हैं कौन है ये लोग? ये छोटी जाति वाले लोग बड़े औहदे वाले साहब से मिलेंगे, साहब के आलीशान घर में जाएंगे। फिर भी साहब ने उन्हें अंदर बुलाया है। साहब अंग्रेज हैं, उन्हें जाति पाति के बारे में नहीं पता। जाओ जाकर बता दो ये बात। निकालो इन्हें यहां से। दूर हटिए। दूर तुम लोगों को जाना है। अभी तो सिर्फ चोट लगी है ना, अधमरा करके फेंक देंगे यहां से। नहीं जाएंगे, अब तो हम आपको धक्का देकर भी अंदर जाएंगे। पहले भी कर सकते थे लेकिन वो गलत होता। अब गवर्नर साहब का आदेश आ गया है तो अंदर जाएंगे ही। चलो बाबा। तुम लोग बहुत अच्छा गाते हो, आइए बैठे इधर। अरे तुम लोग नीचे क्यों बैठ रहे हो? इधर बैठो, वो कोई बैठने की जगह नहीं है। रुको। सॉरी सर, ऐसे तो मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको ये बात एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये लोग जिस जाति से आते हैं उस हिसाब से इन लोगों को इस घर पर आना ही नहीं चाहिए था। इन लोगों की परछाई हमारे लिए अशुभ है और आप इन लोगों को यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं? इन लोगों के यहां बैठने से ये सब अशुद्ध हो जाएगा। फर्श को तो
पोछा लगाकर शुद्ध कर लेंगे, लेकिन ऊपर का कैसे करेंगे? सर, मुझे पता है कि ये लोग जहाँ बैठे हैं वो बैठने की जगह नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने अभी कहा, ये लोग हमेशा हमें हमारी जगह दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हमें आपसे मदद चाहिए। वी रियली नीड योर हेल्प सर। पहले आके बैठिए, फिर बात करते हैं। चल बैठो। बताइए क्या थी मदद चाहिए आपको? सर, हम एक चाल में रहते थे, उसके मालिक ने हमें एक दिन, हम अस्पृश्य है, छोटी जात के हैं, इस आधार पर घर खाली करवा लिया। अगर तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो भीमराव और उसके परिवार को यहाँ से निकालो, क्योंकि हमारे छूने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो हम उनके घर में कैसे रह सकते हैं? उनके लिए तो हमारी जिंदगी जानवर से भी बदतर है। और ये सब अचानक से उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हमारे मालिक का भतीजा मेरे भाई के साथ कॉलेज में पढ़ता है, और एक छोटी जात का लड़का पढ़ाई करे ये उसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आए दिन मेरे भाई से उलझता रहता है। और इसी चलते व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। व्यक्तिगत दुश्मनी हो या ना हो, लेकिन मकान मालिक तो वही है ना, तो इस हिसाब से वो किसे घर पर रखें या ना रखें ये उनका अधिकार है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है सर। लेकिन ये गलत है सर, अगर मालिक होने के तौर पर उन्होंने घर से निकाला होता तो बात अलग थी, लेकिन छोटी जात के होने के कारण घर से निकाला गया है, ये गलत है ना? जैसे आप सर, आप अफसर के पीए हैं, इनसे कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता है ये आप तय करते हैं, इस फैसले के आप मालिक ही हैं, लेकिन फिर भी आज मेरे और बाबा के साथ आपने जो किया, जाति के नाम पर सर से मिलने के लिए मना किया, ये तो बात गलत है। This is also wrong, sir. और जब हम रास्ते पर रह रहे थे तब बाबा ने एक और घर ढूंढा था, वहां पर भी वो लोग आ गए। 5 रुपए महीने का किराया मैं देता हूँ आपको, और उस मालिक को ज्यादा किराया देने का लालच दिया और उसने भी घर देने से इनकार कर दिया, ये सब गलत है ना सर? और हम सड़क पर रहते हैं और वो लोग आकर हम पर कचरा फेंकते हैं। सड़क पर जहां जहां जाओगे कचरा वहीं फेंका जाएगा, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। और बार बार हमारी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है सर। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आप एक उदाहरण बन सकते हैं ताकि बाकी के प्रशासन अधिकारी आपका अनुकरण करें, हम जैसे मजबूर और गरीब लोगों की सुने। सर, आपके पीए कह रहे थे कि आप 3 महीने तक नहीं मिल सकते, सर आप ही बताइए इतना बड़ा परिवार लेकर मैं कहां जाऊं? मैं फौज में रिटायर्ड सूबेदार हूं, फौज में रहकर मैंने कई वर्षों तक सरकार की सेवा की है, आज उसी सरकार के पास मदद की उम्मीद लेकर आया हूं, हमें बेघर होने से बचाइए। और सर, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारी लड़ाई आप लड़िए, हमारी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता, यह हमें भी पता है, हम वो खुद इतने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो जगह छीनने से बचाइए जहां रहकर हम लड़ सके, जी सके, जीवन जीने का हक दिलवाइए हमें, क्योंकि वो लोग तो साधन संपन्न लोग हैं, समाज ने उन्हें बड़े स्थान पर रखा है, हम लोग निर्बल हैं,
समाज के निचले पायदान पर आते हैं, और अगर आपके घर से भी खाली हाथ लौटेंगे तो किससे मदद की उम्मीद रखेंगे सर?